الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे दोस्तों मेरे भाई जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स पीएमसी का जो नया निज़ाम है और जो पीएमसी की नई क्राइटेरिया है इसके खिलाफ निकले हुए हैं। ये हम सारे स्टूडेंट हैं, हम अपने इलाके के टॉपर्स हैं, हमने चार चार साल मेहनत की है, ठीक है। इसी ही हाल में हमने टेस्ट दिया है, ठीक है। टेस्ट देने के बाद हम श्योर हैं, हम 100% श्योर हैं कि हमारा टेस्ट जो होता है वो 180 प्लस मार्क्स होते हैं, या अगर वो हमारे साथ बहुत जुल्म कर लें, बहुत ज़्यादा इंतहाई जुल्म कर लें तो 170 मार्क्स आ जाएँ या 160 आ जाएँ, लेकिन इन ज़ालिमों ने हमें फेल किया है, ठीक है। हमें 100 मार्क्स ही नहीं देते, और जो लोग ना इसके लिए तैयारी करते हैं ना इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आते हैं, टेस्ट देते हैं और उनके मार्क्स 160 होते हैं, 150 होते हैं। हमारे साथ जुल्म हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पीएमसी का ये ऐलान किया था तो पीएमसी एक्ट में ये वाज़े लिखा हुआ था कि ये जो पीएमसी का नया निज़ाम है ये मेरिट की बालादस्ती के लिए है, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा था कि एक ही दिन पर पूरे पाकिस्तान में एक ही टेस्ट होगा। पीएमसी के एक्ट में ये लिखा हुआ था कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाएगा। आज पीएमसी अपने ही उसूलों के खिलाफ चल के एक महीने में 62 टेस्ट ले रही है। किसी को आसान टेस्ट दे रहा है, किसी को मुश्किल टेस्ट दे रहा है, किसी को सिलेबस के आउट टेस्ट दे रहा है, किसी को सिलेबस के इन टेस्ट दे रहा है, किसी को कम टाइम दे रहा है, किसी को ज़्यादा टाइम दे रहा है। ये क्या है, ये कहाँ का कानून है? हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर भी एजुकेशन है। ये पीएमसी वाले ये जो है अर्ज़ पेश करते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की क्राइसिस चल रही है, इसलिए हम अलग अलग टेस्ट ले रहे हैं और हम 62 टेस्ट ले रहे हैं। तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो चली हुई है और सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा डेथ रेशो पूरी दुनिया में इंडिया में हुई है, वहाँ पर एक ही दिन पर एक ही टाइम पर 18 लाख स्टूडेंट टेस्ट देते हैं और एक ही सेकंड में उनको रिजल्ट मिलता है। जो ही वो सबमिट कर देते हैं उनको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, मेरे अपने दोस्त हैं उनके टेस्ट हुई ही नहीं है और उनको रिजल्ट आ गया है। मैं श्योर हूँ, मैं मस्जिद में भी जाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने 170 प्लस किए थे। ये आप मुझे कैसे 117 मार्क्स दे रहे हैं? वो शोर है कि मैंने 100 भी नहीं किया था, अब कैसे उसको 170 मार्क्स दे रहे हैं? तो ये कहाँ का कानून है? हम स्टूडेंट हैं, बलूचिस्तान में स्टूडेंट निकल आए अपना हक मांगने के लिए, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है? हम यहाँ पर निकल आते हैं, हमारे इस्तकबाल डंडों से किया जाता है, कोई भी नहीं हमें सपोर्ट करने वाला। ये क्या है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? ये स्टूडेंट निकले हुए हैं अपना हक मांग रहे हैं, कोई भी इतना बड़ा ना कोई लीडर है ना कोई बड़े जो हमें सपोर्ट करे। यहाँ पर ये लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट आ जाते हैं, उनका खून बहाया जाता है। ये क्या हाल चल रहा है? यहाँ पर हमारे साथ फुल जुल्म हो रहा है, ठीक है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनकी क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्पेसिफिक इनका कोई जनरलाइजेशन नहीं है। आप देख रहे हैं इसी हाल में सारे 17 और 18 ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टेस्ट हमसे कंडक्ट कर रहे हैं। इसी हाल में इतनी करप्शन हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस तरफ हम नहीं जाना चाहते, ठीक है, क्योंकि वो सबको पता है कि क्या हो रहा है। पीएमसी का नया निज़ाम। आज पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोचिस्तान में भी हो रहा है, क्वेटा में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, हम इधर पिशावर में कर रहे हैं। हम तमाम बड़ों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने लीडर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें पीएमसी से कोई गिला नहीं है, हमें अपने मुल्क के बड़ों से गिला है, ठीक है। जगह जगह पर स्टूडेंट निकले हैं अपना हक मांग रहे हैं, कोई भी ये नहीं है कि उनको एक रास्ता दिखाए, उनको एक डायरेक्शन दे, ठीक है। हम इधर अपने हक के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मांगते, हमें सिर्फ अपना हक दिया जाए, ठीक है। कि सारे के सारे ख़राब हैं। अभी देखें, ये स्टूडेंट जब जाएंगे ना टेस्ट देने के लिए, तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब टेस्ट स्टार्ट होगा टैबलेट मिलेगी उनको, ये जब 10 MCQs करेंगे, 15 MCQs करेंगे, ठीक है, तो उधर जो है वो जो हमारा सिस्टम होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। हम लगे रहते हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा टेस्ट जारी है, लेकिन 15-20 मिनट तक हमारा कोई भी MCQs वहाँ पर सबमिट नहीं होता, ठीक है, कोई भी सबमिट नहीं होता। अच्छा, एक बात, दूसरा मसला ये है कि 210 MCQs में 50 ऐसे MCQs होते हैं कि वहाँ पर एक ऑप्शन दो दफा आता है, ठीक है। अभी अगर आप जो ऑप्शन लगाते हो अगर वो पीएमसी के मुताबिक नहीं तो आपके MCQs गलत हो गए हैं। इनके किस सारे के सारे गलत हैं। हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि हम अपना टेस्ट चेक कर सकें, हम चेक कर सकें कि वाकई ये हमारा हक है या नहीं है, कि हम ये हक भी नहीं देते कि आप हमारा टेस्ट चेक करें, या चेक करें, या उसको रिमाइंड करें, कोई भी नहीं है। बस टेस्ट करो, जो रिजल्ट मिलेगा
ये आपका हक है। हमने 5-5 साल मेहनत किया, मैं टांग का रहने वाला स्टूडेंट हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैंने 4-5 रातों से नींद नहीं की क्योंकि हमने इसके लिए इतनी मेहनत की है, इसके लिए हमने मुसाफिर किया है, हमने क्या कुछ इसलिए किया, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन, बहन भाइयों के एक्सपेक्टेशन, पूरे इलाके के एक्सपेक्टेशन, हमारा बैकवर्ड इलाका है, हमारा ये है कि यहाँ के लोग जो है थोड़ा बहुत पढ़ के तो फिर अपना इलाका के ले जाएंगे। अभी ये जो लाइफ चल रहा है, तमाम लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, मुल्क के बड़ों से रिक्वेस्ट है, मुल्क के लीडरों से रिक्वेस्ट है, PMC से रिक्वेस्ट है कि हम कुछ नहीं करना चाहते, हम बहुत पोलाइट तरीके से, मेरी एक बात सुन लें अंदर रिकॉर्ड, हम बहुत पोलाइट तरीके से कर रहे हैं। ये देखें, ये सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग खुद हमें बगावत पर मजबूर कर रहे हैं, हम बगावत नहीं कर रहे हैं, पोलाइट तरीके से आए। ये देखें, ये हमारे मुतालबात हैं, हम अपना हक मांगना चाहते हैं। ये जो आज का हमारा प्रोटेस्ट है, ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, सिर्फ हम सिर्फ जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर हमारा दिया जाए। याद रखें, ये हम बहुत पोलाइट तरीके से मांग रहे हैं, लेकिन अगर हमें अपना हक नहीं दिया जाएगा, तो खुदा की कसम हम अपने फ्यूचर के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हक के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वी ऑल आर मुस्लिम, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह पाक एक ही दिन हमें इस दुनिया से उठाएगा। हम गलत काम नहीं करेंगे, हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम कानून के रखवाले हैं, हम एजुकेटेड लोग हैं, इस मुल्क का जो है क्रीम एक क्वालिटी क्वालिफाइड तबका है, हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, कानून के दायरे में रहकर अपना हक मांगेंगे। ऑन द रिकॉर्ड सब लोग ये सुन लें, जो भी हमें देख रहा है ऑन द रिकॉर्ड, हमें ये मैं फिर कह रहा हूँ, हम बहुत पोलाइट तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। अगर हमें अपना हक नहीं दिया जाएगा तो हम बगावत कर पाएंगे, हम बाजार को भी निकलेंगे, हम ब्लॉक भी करेंगे, हम तोड़ फोड़ भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, अपना खून बहाने के लिए तैयार है। अगर मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ तो इसका मतलब है कि वाकई मैं हक पर हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी कोई नीयत नहीं है कि हम कोई गलत काम करें, गलत तरीके से हक मांगे। हम निकले हुए हैं, ये देखे अले अले ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, 90% बैठे हुए हैं, ये पता नहीं कि हमारे साथ हमें सपोर्ट नहीं करें, क्या बात है यार, हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, हम आपके लिए लगे हुए हैं यार, अच्छी बात है यार। आप सब लोगों के साथ जुलम होगा, फिर आप लोग क्या है, हमारा हाल हम हमारे साथ क्या हुआ है, बयान करने के काबिल नहीं है, आप लोग डिप्रेशन के मरीज होंगे, अभी आप यहाँ पर सिर्फ क्या नहीं सकते, ये पाकिस्तान है यार, ये हमारे स्टूडेंट का हाल है, अपना हक नहीं मांग सकते, ये क्या मसला यार, ये स्टूडेंट जरा मेरे साथ यहाँ पर आखिर में सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं, आखिर में सिर्फ एक ही बात करना चाहते हैं। हमें मुल्क के लीडरों से बहुत गिला है, प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान, आपने ही इस PMC कैंट में कहा था कि एक ही दिन पर पूरे पाकिस्तान से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। हमारे मुतालबात ये है कि हमें अपने कीज दिए जाए टेस्ट के, अगर कीज नहीं दे सकते तो खुदा का वास्ता है कि टेस्ट आप लोग कंडक्ट करवाएं, एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में टेस्ट करें, फिजिकल टेस्ट करें, कागज़ और पेंसिल पर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते, हम अपना हक मांगेंगे। सर, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को अंदर रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, सर मेरी ये बात सुन लें आप, अगर आप हमें अपना हक नहीं देखें, स्टूडेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ, स्पेशली फॉर ऑल स्टूडेंट जो भी हमें सुन रहा है, मैं दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ, ये जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहा है, खुदा के लिए अपना हक मांगो, अपने ज़मीर को उजागर करो। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि अगर हम निकलेंगे तो ये पाकिस्तान है, वही पुराना रूटीन है, निकलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, एक दफ़ा निकले, मेरे साथ कुछ है नहीं, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, अगर मेरे साथ इस साइड पर हो, इस साइड पर हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये PMC का टेस्ट प्रेसिडेंट का टेस्ट होगा। It's okay. आखिर में सिर्फ ये पैगाम स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए
अपना हक मांगे, निकले। ये हमारे से मालिक रिप्रेजेंटेशन है, इसके बाद हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। हम कह रहे हैं मालिक रिप्रेजेंटेशन से हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप नहीं कह रहे, जब हम हेड टू टेल रूल से हमने आपको।